ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आफरीन नस्मत है और आप सबका आफरीन नस्मत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो ये बताओ, आवाज़ वगैरह सबको सही आ रही है? हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? किसी को आवाज़ वगैरह का कोई इशू तो है नहीं? गुड इवनिंग रितेश, गुड इवनिंग राजदीप, गुड इवनिंग भाई। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाओ, जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। उसके बाद आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज की क्लास पे करंट अफेयर के सेशन में स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विजय भाई रूपानी हैज रिसेंटली रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। विजय भाई रूपानी ने इसमें से कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में रिसेंटली रेसिग्नेशन दिया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। वालेकुम असलाम एवरीवन, हेलो रिया श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग, हेलो कमलेश, हेलो बेटा, हेलो एवरीवन। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। विजय भाई आर रूपानी ने रिसेंटली कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में रिसाइन किया है? वेरी इजी क्वेश्चन, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है भाई, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, रिजाइन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इन्होंने गुजरात, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे 7 अगस्त 2016 में, और उसके बाद ये गुजरात के 16th चीफ मिनिस्टर थे, 16वें चीफ मिनिस्टर थे विजय भाई रूपानी, जिन्होंने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर गुजरात के कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुजरात के एक्स्ट्रा इन्फो के बारे में, तो गुजरात के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे। गुजरात के कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट है, जिसमें राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर है। डन भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, गुजरात के बारे में और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गुजरात कॉटन का है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात ग्राउंडनट का भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन से आर्ट फॉर्म्स है, तो यहाँ पर रास है, डांडिया चलता है, गरबा चलता है, यानी यहाँ पर कौन कौन से डांसेस है, तो गरबा है, डांडिया है, रास है। इसके अलावा GI टैक्स जो है वो गिर केसर मैंगो को मिल रखा है और तंगलिया शानिल को मिल रखा है। स्टेट एनिमल यहाँ का एशियाटिक लायन है, स्टेट बर्ड यहाँ पर फ्लैमिंगो है, स्टेट फ्लावर यहाँ का मैरीगोल्ड है, स्टेट ट्री यहाँ का कौन सा है, मैंगो है। नेशनल पार्क कौन कौन सी है, गिर फॉरेस्ट बड़ी फेमस नेशनल पार्क है, आपको पता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुजरात आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बेटा, इकोनॉमिक्स की क्लासेस बेटे जल्दी लेकर आऊंगी, फिलहाल हम यहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेस डेली पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास भी मैं जरूर से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया डज नॉट होल्ड 2+2 टॉक्स, इसमें से किस कंट्री के साथ इंडिया 2+2 टॉक्स होल्ड नहीं करता है? चार ऑप्शन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर USA। इसमें से किस कंट्री के साथ जो है इंडिया डज नॉट होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, क्या बात कर रहे हो भाई, जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने बच्चे हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे।
हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बांग्लादेश के साथ ये मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग यानी मीटिंग नहीं करते हैं, बांग्लादेश के साथ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आगे इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग नई दिल्ली में होल्ड किया, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ था? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली, सितंबर 11, 2021 में ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग रिसेंटली हेल्ड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से थे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैरिस पेन जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया की, और पीटर डूटन जो कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जो कि सितंबर 2021 में मीटिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया ये 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग है वो सिर्फ कुछ ही देशों के साथ होल्ड करती है। इंडिया यूएसए के साथ भी होल्ड करती है, इंडिया जापान के साथ भी होल्ड करती है, इंडिया बांग्लादेश के साथ ये मीटिंग होस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया उसके साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड नहीं करती है, तो बांग्लादेश के साथ नहीं करती है बिकॉज टाइम टू टाइम ये एक्सरसाइज यूएस और ये एक्सरसाइज जापान के साथ होती रहती है। इस बार कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? तो इस बार जो है इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। कहां पर हेल्ड हुई ये डायलॉग? ये जो है नई दिल्ली में डायलॉग हेल्ड हुई। डन, समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे तो अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर देख लो सारे के सारे बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारे के सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लो सबके सब बच्चे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा जो है वो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी कौन सी चलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और पीएम कौन है यहाँ के? फिलहाल स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहाँ के पीएम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज कौन सी है, तो पिच ब्लैक 2020 जो कि कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई थी वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है। रिसेंटली एग्जीक्यूट करी गई है नेवल एक्सरसाइज जो कि है ऑसिंडेक्स। ऑसिंडेक्स जो है अभी कुछ समय पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करी गई है, ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, क्या बात कर रहे हो आप। जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने अच्छे उतने बच्चे हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द US Open 2021 men's single title? आपको बताना है US Open 2021 men's single title आखिरकार इसमें से किसने होस्ट किया? And there are four option, Novak Djokovic या फिर राफेल नडाल, डैनियल मेडवेडेव या जेमी मुरे। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। मेन्स सिंगल टाइटल इसमें से रिसेंटली किसने जीता है? हाँ जी, हु हैज वन द मेन्स सिंगल टाइटल? आंसर देना स्टार्ट करो। यूएस ओपन 2021 में मेन सिंगल टाइटल जीतने का काम इसमें से किसने किया? तो विनर कौन रहे हैं बेटा? सी इज द विनर, डैनियल मेडवेडेव जो है वो विनर रहे हैं। और रनर अप कौन रहे थे? रनर अप ये रहे थे, ठीक है, ये रनर अप रहे थे, लेकिन विनर जो बन गए हैं वो ये बन गए हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? 141st एडिशन हुआ है पहले तो इसका, यूएस ओपन का कौन सा एडिशन हुआ है? 41 एडिशन हुआ है। साथ ही साथ मेन सिंगल का टाइटल किसे मिल चुका है? विनर है रशिया के डैनियल मेडवेडेव और रनर अप रहे हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के। वुमेन सिंगल टाइटल पे विनर कौन रही है? एमा रेडुकेनो। और रनर अप कौन रही है वो भी यहां पर लिखा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख दी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हां जी बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो कोई बात नहीं, सही नहीं हुआ, अब सही कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सरदरधाम भवन इन विच सिटी ऑफ द कंट्री रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरदार धाम भवन आखिरकार इसमें से कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया रिसेंटली, लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, अभी तक बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सरदार धाम भवन, इसमें से कौन सी सिटी में रिसेंटली, लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज अहमदाबाद। रिसेंटली ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सारी की सारी बच्चे देख लो, यहाँ पर लिखी हुई है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, विश्व पाटीदार समाज के द्वारा ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, सरदार धाम भवन, ये स्टेट का आर्ट, सरदार धाम भवन जो है प्रोवाइड करेगा सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज टू गर्ल्स एंड बॉयज। भाई गांव के क्षेत्रों के जो लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए सेपरेट हॉस्टल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम ये सरदार धाम प्रोजेक्ट या सरदार धाम भवन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो लगभग 200 करोड़ का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसका रिसेंटली फेज वन जो है वो कहा गया है कि 11,672 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया जाएगा, ठीक है, डन। गुड मॉर्निंग बेटा, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो इसी का एक 1600, ये जो है 1600 बच्चों का हॉस्टल बनाया जाएगा जिसमें से 800 लड़कियां होंगी और 800 लड़के होंगे, यानी सेपरेट फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, ज्यादा होश मत हो, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज बनाई जाएंगी 800 लड़कियों के लिए और 800 लड़कों के लिए, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने आपको बता ही रखा है, 200 का 200 करोड़ का एस्टिमेटेड इसका कॉस्ट होने वाला है, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति बाय द सेंटर। आपको बताना है इसमें से किसे रिसेंटली वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी को, विजय गोयल को, विजेंद्र गुप्ता को या फिर चारती लाल गोयल को। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, दर्शन समिति। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए। वालेकुम अस्सलाम निखत अंसारी, क्या हाल चाल भाई। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा, भाई यहाँ पर बच्चे विजय गोयल आंसर दे रहे हैं जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विजय गोयल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, वाइस चेयरमैन इज विजय गोयल, तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी। चेयरमैन कौन है बेटा, चेयरमैन इज नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरमैन इज विजय गोयल। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति नई दिल्ली, एस्टैब्लिश किया गया 1984 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, प्राइम मिनिस्टर इसके क्या है, चेयरमैन है, ये साइट है मार्टियरडम का, महात्मा गांधी का, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, ठीक है, डन डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, और आप में से जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो कि चैनल में हमारे नए हैं, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है किसी भी तरीके के लिए, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल साबित हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के आइकन में जरूर क्लिक करना, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉट,
कौन से राज्य ने रिसेंटली लॉन्च किया एक एम्बिशियस कैंपेन जिसका नाम है मेडिसिन फॉर स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ताकि वैक्सीन की डिलीवरी के लिए या मेडिसिन्स की डिलीवरी के लिए हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सके। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम का एम्बिशियस कैंपेन इसमें से कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? ये तेलंगाना ने लॉन्च किया, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया, या फिर हरियाणा ने लॉन्च किया? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। वालेकुम अस्सलाम भाई, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए। किसने रिसेंटली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया टू डिलीवर द कोविड-19 वैक्सीन एज वेल एज डिफरेंट मेडिसिन ड्रोन्स के द्वारा? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बेटा लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। इनके द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम का एम्बिशियस कैंपेन तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते कहां पर लॉन्च किया गया, तो साइट थी विकाराबाद, यहां पर लॉन्च किया गया। ये कोलैबोरेशन है किसका किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, हेल्थ नेट ग्लोबल और नीति आयोग। तेलंगाना का, तेलंगाना की सरकार के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग एज वेल एज ए हेल्थ नेट ग्लोबल ने साथ दिया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम का कैंपेन शुरू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तेलंगाना वो फर्स्ट स्टेट कंट्री है जो कि इस जगह गई। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ध्यान से देख लीजिएगा, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के गवर्नर है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीट्स है, जिसमें 7 है राज्यसभा की और 17 सीट्स है लोकसभा की। डन डन बेटा, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो आप सब भाई, ये क्या हो गया? कौन स्पैम कर रहा है? मैं फिर से वॉर्न कर रही हूं, स्पैम करना बंद करो वरना तो कमेंट ब्लॉक हो जाएगा, बल्कि आप पूरे ही ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है दिनेश, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने लिखने में जिंदगी रखी है ना, ये जो तुम कर रहे हो इसमें जिंदगी नहीं रखी है। ठीक है, और इसके अलावा अब तुम क्योंकि कर रहे हो तो फिर हमको आपको ब्लॉक भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो क्या करा जा सकता है, ऐसे लोग खुद ही आते हैं अपनी मौत को दावत देने, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब तेलंगाना के बारे में इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी देख लो। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, तेलंगाना 2 जून 2014 को मना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लोकेटेड डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है। रिवर मूसी ओरिजिनेट करती है यहाँ से, हैदराबाद सिटी जो है वो मूसी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं? FESTIVAL, काकाटिया और बाथुकामा यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। स्टेट बर्ड जो है वो यहाँ की इंडियन रोलर है। स्टेट फ्लावर यहाँ का रानावारा है। ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ कुछ लिखी हुई यहाँ पर क्या है? PDF जो है टेलीग्राम में शेयर होती है रोज। ठीक है, तो PDF आप एडुकेटर आफरीन के टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। 8 बजे PDF शेयर होती है सारी इंफॉर्मेशन के साथ, आपको PDF मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो एडुकेटर आफरीन के चैनल को भी सब्सक्राइब करना इन टेलीग्राम, ताकि आपको क्विजेस और PDFs अपडेट होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? व्हिच विल बी द होस्ट कंट्री फॉर द 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन? एशियन असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के 16th असेंबली की होस्ट कंट्री इसमें से कौन होने वाली है? इंडिया, भूटान, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, कौन होने वाली है? ओके रितेश बेटा,
पढ़े लिखे होने से पहली बात तो ये कि सबसे पहली चीज आपका ड्रेस आपका पढ़ा लिखा होना डिफाइन नहीं करता, ठीक है। आप कुछ भी पहन के निकल रहे हो, किसी भी तरीके से जा रहे हो, वो आपका पढ़ा लिखा होना, ड्रेसेस कभी भी पढ़े लिखे होने से रिलेट नहीं करी जा सकती। दूसरी बात, ना पढ़ा लिखा होने का सबसे बड़ा सबूत आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है। जिस तरीके से आपका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, ये बात साबित करता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या आप पढ़े लिखे नहीं है। तो बेहतर है कि हम अपनी अपनी लिमिट्स में रहकर क्लास को अटेंड करें, ना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, डन बेटा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अभी तक बच्चों ने नहीं दिया, यहाँ पर आज मुझे कमेंट ज्यादा ही ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया, इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जेसी मुर्मू इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जेसी मुर्मू को इलेक्ट किया गया है, इंडिया इसकी 16th असेंबली को होस्ट करने वाला है। जेसी मुर्मू है कौन, ये क्या है, इंडिया की तरफ से जेसी मुर्मू जो है इस असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, और याद रखिएगा ये हमारे इंडिया के कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये इस इंडिया 16th असेंबली इस बार होस्ट करने वाला है, ठीक है। डन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। नजीब मिकाटी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसमें से कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नजीब मिकाटी को चुना गया, मलेशिया, इक्वाडोर, लेबनन या फिर मोल्डोवा, इन चारों में से किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नजीब मिकाटी को चुना गया। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। हाँ जी, जल्दी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। नजीब मिकाटी हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज लेबनन, लेबनन इज द करेक्ट आंसर, इनको लेबनन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नजीब मिकाटी लेबनन के रिचेस्ट मैन भी है, लेबनन की बात करते हैं तो उसकी कैपिटल है बेरूत, प्रेसिडेंट है माइकल ओन, प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाटी जो कि रिसेंटली चुने गए हैं, और करेंसी है लेबनीज पाउंड। डन, यस, लेबनन इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। लेबनन के बारे में जितना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, अजीज एक्नॉच हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अजीज एक्नॉच को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, इसमें से किस कंट्री का, मोरक्को का, नाइगर का, इसराइल का या फिर आइवरी कोस्ट का। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए, कहां के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अजीज एक्नॉच को चुना गया। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग। फालतू लोगों को ब्लॉक करो मैम, हम डिस्टर्ब होते हैं। बेटा मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाऊँ या ब्लॉक पे ध्यान दूँ, ठीक है, इग्नोर करो आगे बढ़ो, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोरक्को, ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए रिसेंटली, ये मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए, वहां के किंग मोहम्मद सिक्स, किंग मोहम्मद सिक्स के ने अपॉइंट किया मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर अजीज एक्नॉच को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वही है कि भाई किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस, RNI, ठीक है, लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने 395 में से 102 सीट्स लिए हैं, और इसके बाद
बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द नया प्राइम मिनिस्टर या न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। ठीक है, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द याहू एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ याहू। हां जी, आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ याहू आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अभी तक बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट नहीं किया बेटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नए अगर हम बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इसमें से कौन अपॉइंट किया गया, तो ये है हमारे लिए जिम लैंडसोन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां पर आगे बात करते हैं याहू के बारे में, तो याहू के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में या चीफ मिनिस्टर कह लो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है जिम लैंडसोन, जो है वो करेंटली सीईओ है डेटिंग ऐप टिंडर के। बाबा, टिंडर के डेटिंग ऐप जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिम लैंडसोन, जिनको रिसेंटली याहू के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है, डन। एंड इनके रिप्लेसमेंट में रेनेट नायबर्ग को अपॉइंट किया गया है टिंडर के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। यानी इन्होंने ले ली है जगह याहू में और इनको रिप्लेस फिर किसने किया है, रेनेट नायबर्ग ने रिप्लेस किया है। डन डन बेटा। ओके, कुछ ग्लोबल चीफ्स भी मैं आपको बता दे रही हूं कि कहां कहां के कौन कौन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। सत्य नदेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अरविंद कृष्णा आईबीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अजय पाल सिंह बांगा मास्टर कार्ड के हैं और अडोब के हैं शांतनु नारायण। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिसके सीईओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। जितने स्टूडेंट्स हैं उतना वीडियो को आपको लाइक और शेयर तो करना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय टाटा एआईए लाइफ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। टाटा AIA ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसमें से किसे अपॉइंट किया है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, मीराबाई छानू या फिर पीवी सिंधु। सभी जानते ना यार, इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है। अभी देखो कहां कहां कौन कौन से ब्रांड में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी ब्रांड वैल्यू आफ्टर विनिंग गोल्ड इन ओलंपिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को फिलहाल जो है टाटा AIA लाइफ्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, डन। नीरज चोपड़ा, परफेक्ट। इज नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे नीरज चोपड़ा आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नीरज चोपड़ा जो कि 23 साल के, बताओ मतलब 23 साल के हैं, हमसे भी छोटे हैं। ठीक है, क्या हाइट्स अचीव करी है, मोटिवेशन है ना, तुम भी लिया करो मोटिवेशन, हम भी लेते हैं मोटिवेशन। नीरज चोपड़ा जो कि 23 साल के हैं वो जेवलिन थ्रो विनर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एशियन गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, डन। और तीनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है।
ओके तो ये थे आज के क्लास के क्वेश्चंस। सबसे पहले बताओ आज के क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे भाई। पीडीएफ के लिए प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल एजुकेटर आफरीन। एजुकेटर आफरीन का टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे, इंस्टा एफबी, इंस्टा में एफबी में हर जगह आपको एजुकेटर आफरीन नाम का पेज दिखेगा, ठीक है। तो पेज को लाइक जरूर करना, इंस्टा में भी जाके पेज को लाइक करो, टेलीग्राम में भी पेज को लाइक करो। पीडीएफ हर रोज मैं आपके शेयर कर देती हूँ, पीडीएफ इज शेयर्ड @8 PM डेली, हर रात में 8 बजे। और जो आज पढ़ाया उससे रिलेटेड एक क्विज क्रिएट होता है डेली मेरे टेलीग्राम चैनल पे @6 PM। ये डेली होता है, ये टेलीग्राम चैनल की एक्टिविटी है। तो इसके लिए आप अगर इनको आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जो कि क्या है, एजुकेटर आपेल। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, कैसे लगी क्लास आज की? जितना पढ़ाया सबको अच्छे समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके आगे, मैं आपको बता दे रही हूं, नया बैच जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। आज 20 सितंबर है ना, आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन मैं शुरू कर रही हूँ जस्ट अभी हाफ एन आवर में, ठीक है। 10 बजे से ये क्लास है, 10 से 11 ये 1 घंटे की क्लास चलेगी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप में से अब भी जिस स्टूडेंट ने ये बैच को परचेज नहीं किया है, जरूर से कर सकता है, आफरीन 111 कोड इस्तेमाल करके फी पर 10% का डिस्काउंट पा जाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बैच मैं रिसेंटली स्टार्ट करने वाली हूँ अनअकैडमी प्लस में, तो डू ज्वाइन द क्लास। हाफ एन आवर में क्लास लाइव होने वाली है, 10 बजे सुबह ये क्लास आपकी डेली चलेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस करवाऊंगी। डन बेटा, चलो, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बेटा।